भाई टूना है ये देखो, लाल गोश्त का जो होता है ये बाहर डॉलरों के हिसाब में बिकता है। ये इसका थोड़ा सा गोश्त लाल होता है, जैसे बड़े का गोश्त होता है ना लाल भाई, वैसे ही लाल होता है। और इसका बिरयानी बना ले आप, कोरमा बना ले आप, यानी कि चम्मच हिलाते रहे टूटेगा नहीं इसका गोश्त। पीले पर वाला धंधिया, ये पहचान है इसका। लोग अक्सर बोलते हैं यार मार्केट में गंदगी बहुत होती है, भाई गंदगी वहाँ कटिंग हो रही है तो गंदगी तो होगी ना, लेकिन जहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, फिशेज रखी हुई है, देखें कितनी साफ़ सुथरी हैं। ये देखें रामस के बिस्किट यहाँ पे बन रहे हैं, दिखाएं माशाल्लाह, बहुत ताज़ी है, डोरी का पकड़ा हुआ। ये मीठे पानी वाले रोहू है, इसको माशाल्लाह देखें तोते की तरह आगे से भी सारा में। ये वाली 550 रुपये किलो है, जान ये आँखों से होता है, ये आँखों से और ये कलर से रंग रूप से होता है भाई। वाइट है फिर ब्लैक भी है, ये ब्लैक कौन होती है देखें ताज़े की, आपको दिखाया था वही रोहू है, बड़े दाने उसके। हाँ वही टूना है ये देखो, लाल गोश्त का जो होता है ये बाहर डॉलरों के हिसाब में बिकता है। ये रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान बाबर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों मैं मौजूद हूँ मूसा कॉलोनी फ़िश मार्केट में, और यहाँ पर आने की वजह ये है कि भाई सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, मछलियों के प्राइस कहाँ जा रहे हैं, क्या कंडीशन है और किस किस तरह की मछलियाँ मूसा कॉलोनी में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी मार्केट लगी हुई है फ़िश मार्केट, और ये सामने दुकान भी है। यहाँ पे भाई मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट चीज़ देखी जिसका नाम है चिड़चिड़ीना। भाई ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आज हम इस मार्केट में देखेंगे कि भाई फ़िश के प्राइस क्या है, किस रेट में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो फिर मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि भाई ज़िंदगी की रानाइयाँ क्या कह रही हैं। देख रहे हैं आप पीछे क्या कह रही हैं ज़िंदगी की रानाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। उस्मान भाई कौन कौन सी मछलियाँ आपके पास? हमारे पास समंदरी वैरायटी है, तकरीबन बहुत सारे आइटम हैं। कौन कौन सी है? और हमारे पास कुन है, रेड स्नेपर है, रामस है, इंडियन सेलमन जो बोलते हैं, आराम है, सुरमई है, टूना है, दंडिया है, वाइट दंडिया है, ब्लैक है, बहुत सारी काफ़ी वाइट पापलेट है, ब्लैक पापलेट है, बांगड़ा है, सुरमई है, समंदर है। दिखाएं मछली उठा के कौन कौन सी, पैसों के साथ बताएं। ये पड़ी हुई है ये वाली मछली है, एक ये सोल है, ये मीठे पानी का ये सोल है फूलदार जी। ये इसके प्राइस 1200 रुपए किलो। इसमें एक आते हैं धारी, वो उसमें कांटे होते हैं, सिंगल कांटे वाला। और वो बड़ी वाली जो रखी है, और इसके पीछे जो है वो वाइट कून है। और ये वाइट कून है माशाल्लाह, बहुत ताज़ी है, डोरी का पकड़ा हुआ। ये 1100 रुपए किलो है। 1100 भरा फट जाएगा, जो उठाने वाला उठा दो। और इसके अलावा ये मीठे पानी वाले, ये दिखा देंगे उठा के, ये मीठे पानी वाले रोहू है, रोहू ये 600 रुपए 550 है। उसके बाद ये भी समंदरी आइटम है, पैरोट तोता फिश बोलते हैं इसको, इसको माशाल्लाह देखें तोते की तरह आगे से बिल्कुल। और इसके अलावा ये रेड स्नेपर है, हीरा, हाँ ये इसके बड़े हैं ना बड़े, ये छोटे हैं, ये इसी के छोटे हैं। ये वाली 800 रुपए किलो है, इसके बड़ी वाली है ये 1200 रुपए। सारा में ये वाली 550 रुपए किलो है, छोटे बड़े ये माशाल्लाह बहुत ताज़ी है। ये 4 किलो से ऊपर के दाना है। ये ताज़ी की पहचान कैसे होती है? पहचान ये आँखों से होता है, ये आँखों से, और ये कलर से रंग रूप से होता है। वो तो ऐसे पर पकड़ते हैं, ट्रिक है ये पकड़ने का, वरना हाथों पे लगता है ना। ये इसके गोल्ड गोल्ड ये निशान है ना, ये येलो जो है ये पहचान है ये ताज़े की। ये येलोपन ख़त्म होगा जितना पुराना होते रहेगा, फिर येलो से वाइट पे आएगा। और इसके अलावा वाइट पापलेट है हमारे पास, वाइट है फिर ब्लैक भी है। ये वाली 1000 रुपये किलो है, और ये आगे पड़ी हुई है छोटी वाली, वो 700 रुपये। और इसके अलावा ये दंडिया है हमारे पास, ओरिजिनल दंडिया, इसका नाम बिकता है ये ओरिजिनल पीले पर वाला दंडिया, ये पहचान है इसका। ये वाली है, ये वाली 400 रुपये किलो है। और इसके अलावा ये कुन ब्लैक है, ये ब्लैक कौन, ये वाली 500 रुपए किलो, ये पहचान होती है देखें ताज़े की।
ठीक है भाई। और ये जो आपको दिखाया था वही रहू है, बड़े दाने उसके। ये क्या हिसाब है? ये वाले 600 है। लेस होती है इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर लेस होता, प्याजे की पहचान है, लेस होता है। ये मीठे वाले में होता है और समंदर वाले में आँखों का होता है। छोटी वाली क्या रखी हुई है? छोटी वाली ये डाटी के बच्चे, डाटी डाटी, ये डाटी 400 रुपये किलो। अभी इसका सीज़न आया, अभी अभी बड़े वाले आएंगे। इसके अलावा ये टूना है, ये देखो लाल गोश्त का जो होता है, ये बाहर डॉलरों के हिसाब में बिकता है। ये इसका थोड़ा सा गोश्त लाल होता है, जैसे बड़े का गोश्त होता है ना लाल भाई, वैसे ही लाल होता है। और इसका बिरयानी बना ले आप, कोरमा बना ले आप, यानी कि चम्मच हिलाते रहे टूटेगा नहीं इसका गोश्त। ये क्या दाम है? ये वाली ये सस्ती है मछली है, 500 रुपये किलो, मगर ये हर कोई पसंद नहीं करता है। नहीं नहीं टूना, टूना फिश ये, मतलब ये प्रॉन, ये वाली है समंदर, ये जेरा है इसका नाम, जेरा जेरा, ये 1100 रुपये किलो। टाइगर प्रॉन्स कौन से होते हैं? वो टिप्पे वाले होते हैं, है नहीं वो भी। अच्छा, और ये छोटी? ये वाइट पापलेट है छोटी वाली, 700 रुपये किलो। ये चिड़चिड़ी है भाई, ये चार पाँच उठा लेंगे साथ। ये समझ लो ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मछली होती है, छोटी होती है, ये नस्ल इसकी इतनी होती है। तो ये क्या होता क्या है इसमें? इसको समझ लो इस तरीके से बनाते हैं इसको, इसको सिर्फ जो है ना आपने ये पकड़ा इस तरीके से, पेट के गंदगी भी बाहर आ गया, सही है। और ये बर्तन में आपने जमा कर लिया, बस जमा करने के बाद बस ये खाली आपको धोना है, फ्राई करना है, सालन करना है। हम लोग सालन खाते बुना हुआ इसका, समंदर समंदर हमारे पास आइटम तकरीबन समंदर ही है, मीठे का एक आध आइटम है बस। अच्छा आप ये बताएं आपका नाम क्या है, आप ऑनलाइन करते हैं जी? ऑनलाइन करते नहीं नहीं, यहीं हमारा यहीं काम। नंबर बता दें, नंबर बता दें, 0315-08-40695। और आपका नाम क्या है? उस्मान गनी। उस्मान गनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपका भी भाई, आपका भी। तो भाई इधर ये फिश मार्केट का हम विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखें पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में, और एकदम ताज़ा फ्रेश माल है इनके पास। आज देखते हैं अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। राइडिस नंबर की कटिंग चल रही है। सेठ आप क्या बना रही है? ओए भाई चेक करें सफेद पापड़, ये फ्राई के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं सेठ, ये जो ताज़े की पहचान कैसे होती है? ऐसे ही होती है जैसे आपके सामने चमक, शाइनिंग देखें भाई माशाल्लाह, आँखों की चमक। अच्छा ये वाइट पापलेट है, ये क्या हिसाब है? 3000 रुपये किलो वाइट पापलेट भाई, एक क्वालिटी की फिश 3000 रुपये किलो है वाइट पापलेट भाई, क्या कह रहे हैं आप यार। ये कौन सी मछली की फिंगर बना रहे हैं दोस्त? रामस। रामस क्या हिसाब है? 1200 रुपये किलो रामस। अच्छा इसमें जो कांटे निकलते हैं उसका क्या करते हैं? सालन में ज़्यादा। देखें भाई ये रामस की फिंगर बना रहे हैं यहाँ पे भाई, फुल काम हो रहा है सेठ। ये देखें रामस के बिस्किट यहाँ पे बन रहे हैं, दिखाएं वो है, चेक करें यार गोश्त, चेक करें कैसा वाइट वाइट है। कौन से प्रॉन्स है? ये मीडियम प्रॉन्स है। मीडियम प्रॉन्स है। क्या प्राइस है इसके? 1300 रुपए किलो, बेहतरीन ये प्लस क्वालिटी है। अच्छा टाइगर प्रॉन्स क्या हिसाब चल रहे हैं? टाइगर प्रॉन्स 3000 रुपए किलो, नॉर्मल 2200 रुपए किलो। अच्छा अच्छा इसके तो भाई टाइगर प्रॉन्स 2200 3000 रुपए किलो है, और ये मीडियम प्रॉन्स है जो कि भैया साफ कर रहे हैं दादा। तो भाई ये देखें बड़ा ही रॉ काम, ये क्या है भाई? ये गिस्सर है। गिस्सर क्या हिसाब है सेठ? भाई गिस्सर 1500 रुपये किलो, आप चेक करें गिस्सर का साइज़ देखें यार, कितने किलो का दाना हुए गिस्सर? गिस्सर का साइज़ देखें भाई, 1500 रुपये किलो दाना चल रहा है। ओए भाई फिश बेहतरीन भाई, ये देखें सफाई देखें कितनी है। लोग अक्सर बोलते हैं यार मार्केट में गंदगी बहुत होती है, भाई गंदगी वहाँ कटिंग हो रही है तो गंदगी तो होगी ना, लेकिन जहाँ पे
ये सामान रखा हुआ है, फिशेज रखी हुई है, देखिए कितनी साफ़ सुथरी हैं। तो आए बाहर चलते हैं और इधर मार्केट में घूमते हैं थोड़ा सा। और ये पूरी मार्केट है,